आज से बिल्कुल जिस तरह 14 अगस्त आज़ादी का दिन पूरे मुल्क में जोरों शोर से मनाया जाता है, इसी तरह चिन्यौट के अंदर भी 1 अगस्त से ही 14 अगस्त को मनाने की तैयारियां अरूज पर नजर आ रही है। महंगाई के इस दौर में भी मुझे इस समय जो स्टॉल्स हैं वो सजे हुए नजर आ रहे हैं। आइए पब्लिक की ज़बानी जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बिल्कुल, महंगाई का दौर है, उसके बावजूद लोग जो है 14 अगस्त मना रहे हैं, क्योंकि इसलिए कि इस मुल्क पाकिस्तान को हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी गई है, जिसमें हमारे फौजी जो इंडिया के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने इस पाकिस्तान को हासिल किया है। हम बेशक महंगाई है, उसके बावजूद हम 14 अगस्त वाले दिन हम खुशी और आज़ादी मनाएंगे, क्योंकि ये हमारा मुल्क जो है ये आज़ादी और कुर्बानी दे के इसको हासिल किया है। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा स्टॉल्स पर रश नज़र आ रहे हैं, सवाल से आप क्या कहेंगे? जी जैसा कि आपको पता है, हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान पाकिस्तानी होने के नाते से आज का दिन जो है, मतलब जो कल का दिन आ रहा है, तो हमारे लिए आज़ादी का दिन है और आज़ाद होना जो है वो बड़े फ़ख्र की और बड़े जो है वो निस्बत का काम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से अल्लाह ने हमें एक आज़ाद मुल्क दिया है और आज़ाद होने के नाते से हमें जो है जश्न ज़रूर बनाना चाहिए। और आप देख भी रहे हैं जोश व खरोश जो है और बच्चों में बड़ों में बहुत ज़्यादा है, और इंशाल्लाह हम अच्छे तरीके से है अपना इंडिपेंडेंस डे जो है वो 77 ईयर्स हमें हो गए हैं आज़ाद हुए, तो इंशाल्लाह हम अच्छे तरीके से। शहरों की बात सुनी, उनका ये कहना था कि हम अपने आज़ादी के दिन को 14 अगस्त 1947 को हम कैसे भूल सकते हैं, जिस दिन को हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गान ने हज़ारों कुर्बानियाँ दी, हज़ारों जानों ने अपना नजराना पेश किया। और हम इंशाल्लाह बेशक इस ये महंगाई का दौर है, हम 14 अगस्त के दिन को पुरजोश तरीके के साथ मनाएंगे। कैमरामैन टीम के साथ मैं अब्दुल रहमान तैयार, स्पेशल टीवी चिन्यौट।